अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्वीट फूड स्टाइल कचौरी की रेसिपी। लग रही है ना ये कि हमने बाज़ार से मंगाई हुई है या स्वीट फूड से मंगाई हुई है या फिर हमने होटल से मंगाई हुई है, लेकिन ये 100% हमने घर पर ही बनाई है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए तो हम इसमें आपको बहुत सारे टिप्स बताएंगे कि ऐसी फूली फूली कचौरी के लिए हमें कौन से टिप्स अपनाना पड़ता है, यानी हमें कौन से ऐसे ट्रिक लगाना पड़ता है जिससे एकदम बाज़ार जैसी फूली फूली कचौरी बने। तो चलिए फिर हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि कचौरी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कचौरी के अंदर हम जो फिलिंग भरते हैं ना, वो फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए गैस ऑन करेंगे, गैस पर एक पैन रखेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल लेंगे और फिर 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, 1 टीस्पून मस्टर्ड लेंगे यानी राई लेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से पकने देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकने देना है। और अब इसमें हम इस लाल मिर्च पाउडर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर हमें अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें हम शुगर लेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें सिट्रिक एसिड लेंगे और सॉल्ट हमें अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे और एक चमचा लेंगे और चमचे से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। और हमें गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखना है वरना ये सारे मसाले जल जाएंगे। अब इन्हें हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इन मसालों की अच्छी तरीके से खुशबू आए। अगर इन मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं। इन मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे और भूनने के लिए हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। 3 से 4 मिनट पर हमें स्लो गैस पर इन मसालों को भूनना है। और फिर मसाले भून जाने के बाद में 125 ग्राम हम बेसन लेंगे। हम पहले बेसन को छान लेंगे और छानने के बाद में फिर हम इस मसाले में बेसन डालेंगे और अच्छी तरीके से बेसन को और मसालों में मिक्स करेंगे, यानी बेसन और मसाले को हम एक साथ में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है ये बेसन और जो मसाले हैं वो, लेकिन हमें इस बेसन में लगातार चमचा चलाते रहना है ताकि जो बेसन के लम्स ना बने। इसी तरीके से मसाले के और बेसन में जो लम्स बन जाते हैं तो एक स्पैचुला से हम धीरे धीरे करके सारे इसके लम्स तोड़ लेंगे ताकि जो बेसन है अच्छी तरीके से भुन जाए, क्योंकि हमें जो बेसन है उसे बहुत ही अच्छा भुनना है वरना जो बेसन है तो वो जब हम कचौरी में इसकी फिलिंग भरते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता, बेसन सारा कच्चा ही रह जाता है। तो बेसन को भुनने के लिए हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। हमें आराम से धीरे धीरे स्लो गैस पर बेसन को भुनना है ताकि बेसन नीचे से लगे भी ना और अच्छी तरीके से भुन जाए। अब यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके थे और बेसन अच्छी तरीके से भुन चुका था। अब इसमें हम 1 टीस्पून या 2 टीस्पून 1 टीस्पून पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से इस बेसन को मिक्स करेंगे, यानी बेसन की क्वांटिटी पर भी होता है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो 2 टीस्पून पानी लगेगा और क्वांटिटी बेसन की कम हो तो 1 टीस्पून में भी इस तरीके से बेसन अच्छी तरीके से भुन जाएगा। अब यहाँ पर हम साबित लहसुन की कलियाँ लेंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लेंगे और हरी मिर्च साबित लेंगे। हरी मिर्च का वही जितना आप फीका खा सको उस हिसाब से आपको हरी मिर्च लेना है। यहाँ पर हमने 6 से 7 हरी मिर्च लिए। अब हम इसमें कुछ कड़ी पत्ते लेंगे और कटी हुई समार लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब मिक्स करने के बाद में हम एक मिक्सर का पॉट लेंगे और मिक्सर के पॉट में ये बेसन की फिलिंग डाल देंगे और फिलिंग डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यानी पीस लेंगे ताकि जो इसमें हमने हरी मिर्ची समार कड़ी पत्ता जो भी साबित चीज़ें डाली वो अच्छी तरीके से पीसे जाए और बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से ये इसका जो पेस्ट है वो बन जाता है। सूखा सूखा इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट बनता है। देखिए गाइस ये कितनी अच्छी तरीके से हमने इसे बारीक पीस लिया है। आप चाहते हो कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे जब हम फिलिंग बनाते हैं तो इसे ठंडा कीजिए और ठंडा करने के बाद में मिक्सर में पीसिए, लेकिन हमें थोड़ी गड़बड़ थी तो हमने गरम गरम ही इसे मिक्सर में पीस लिया। अब हम कचौरी का डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमने फूड प्रोसेसर का जार ले लिया और 1/2 kg हम इसमें मैदा लेंगे। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और नमक लेंगे। नमक हमें अपने टेस्ट के हिसाब से लेना और अच्छी तरीके से हम इसका डो बना लेंगे। आप इसका डो हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें जिस दिन हमारे यहाँ ईद पार्टी थी यानी शीरकुरमा पार्टी थी उस दिन हमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी तो हमने इसमें ही बना लिया। और ऐसे भी हम फूड प्रोसेसर में ही ज़्यादा आटा गूंथते हैं यानी नीट करते हैं। इस तरीके से हम पहले ऑयल डालेंगे और नमक डालेंगे और पहले मिक्सर में इस आटे को मिक्स कर देंगे और फिर देखेंगे कि इसमें ऑयल कितना कम है या ज़्यादा है। अगर हमने आटा हाथ में लिया और उसका जो बाउल सा बन गया तो समझ जाना चाहिए कि हमें बस ऑयल इतना ही चाहिए। अब इस तरीके से हम
इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल के अच्छी तरीके से इस आटे को गूंद लेंगे। और गूंदने के बाद में हम इस आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि आटा अच्छी तरीके से रेस्ट हो जाए, यानी अच्छी तरीके से मुलायम हो जाए। अब हम कचौरी को फ्राई करने के लिए गैस ऑन करेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें ऑयल लेंगे। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि हमें कचौरी को डीप फ्राई करना है, और जो गैस की फ्लेम है वो हमें स्लो ही रखनी है। अब यहाँ पर जो डो था वो भी अच्छी तरीके से रेस्ट हो चुका था। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और फिर कचौरियाँ बनाएंगे। हमने इसे अपना जो काउंटर, गैस का काउंटर होता है, उसी पर हमने बनाया। इस तरीके से हम छोटी छोटी पूरियाँ बनाएंगे और फिर उसमें कचौरी का जो फीलिंग होती है वो डालेंगे। हमें फीलिंग अपने हिसाब से डालनी है। इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स लेंगे, यानी हमें फीलिंग्स ज़्यादा कम भी नहीं लेना और ज़्यादा भी नहीं लेना। अगर हम बहुत ज़्यादा लेंगे तो कचौरियाँ सारी फूट जाएंगी, और कम लेंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। लगभग हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितनी फीलिंग्स इस कचौरी के अंदर भरी है। इस तरीके से हम कचौरी के अंदर फीलिंग भरेंगे और हाथों से ही पहले कचौरी को हम लंबा लेंगे, यानी पूरी की शक्ल में हम इसे हाथों से ही ला लेंगे और फिर बेलन से धीरे धीरे से हमें इसे बेल लेंगे। हमें बस थोड़ा थोड़ा ही बेलना है। और देखिए गाइस, यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से कचौरी बनकर रेडी है, और कचौरी की जो थिकनेस है हमें इस तरीके की चाहिए। और जब भी हम कचौरी की फीलिंग कचौरी में भरे तो बिल्कुल भी नहीं फूटती, क्योंकि हमने इसे मिक्सर में अच्छी तरीके से बारीक पीस लिया था। तो जो भी इसमें साबित मसाले थे वो अच्छी तरीके से पीस चुके थे, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी कचौरी फूटती नहीं, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरीके से हम आपको एक दूसरी भी कचौरी बना के बताएंगे ताकि आपके समझ में आ जाए कि कचौरी हमने किस तरीके से बनाई। बहुत ही आसान तरीके से कचौरी बन जाती है, और कचौरी बनाने के बाद में अगर हमारे पास में बच भी जाती है तो हम इसे महीना भर से 15 दिन तक के अच्छी तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। हम इसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो 1 महीने तक के हम इसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अब हम कचौरी को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें ये एक टिप्स है कि हमें ऑयल एकदम ठंडा चाहिए। अगर हम ऑयल गरम करेंगे तो सारी कचौरी पे बबल्स आ जाएंगे और बिल्कुल भी कचौरी अच्छी नहीं बनेंगी। हम जब भी कचौरी को फ्राई करेंगे तो हमें ऑयल बिल्कुल ही ठंडा चाहिए, और फिर धीरे धीरे कचौरी अपने आप ही, जैसा जैसे ऑयल गरम होगा वैसे वैसे कचौरी अपने आप ही फूल कर ऊपर आएंगी। इसी तरीके से हमें स्लो आंच पर कचौरियों को धीरे धीरे फ्राई करना है ताकि कचौरियाँ अच्छी तरीके से फूल जाए। अगर हम इसे गैस को फुल आंच पर इन कचौरियों को बनाएंगे तो इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे और क्रिस्पी क्रंची बिल्कुल भी नहीं बनेंगी, और बिल्कुल मार्केट स्टाइल भी नहीं बनेंगी। इसलिए हमें बहुत ही धीरे धीरे से इन कचौरियों को बनाना है। और आपने एक बार इस तरीके से इन कचौरियों को बनाया तो आपके घर पर जो भी मेहमान आएंगे, आप किसी के लिए भी ये कचौरियाँ बना जाएंगे तो उन्होंने इतनी तारीफ़ करेंगे, उन्हें लगेगा कि ये रेडीमेड ही मंगाई हुई, लेकिन ये असल में घर में ही बनाई हुई कचौरियाँ। देखिए गाइस, ये कचौरियाँ कितनी अच्छी फूली है। यहाँ पर हम कचौरी की आपको दूसरी टिप्स बनाएंगे। अगर कचौरी हमारी इस तरीके से फूल जाए स्लो गैस पर, यानी स्लो फ्लेम पर, तो अब हमें जो गैस का फ्लेम है उसे फुल करना है और कचौरी को ब्राउन करना है ताकि कचौरी जल्दी से पक जाए। बस हमें इस टाइम तक ही जो गैस का फ्लेम है उसे स्लो रखना है, और इसके बाद में हमें फुल गैस पर इन्हें फ्राई कर लेना है, यानी ब्राउन कर लेना है। और फिर जब हम दूसरी बार कचौरियों को डालेंगे तो फिर से हमें जो ये ऑयल है इसे ठंडा करना होगा, और ठंडा करने के बाद में दूसरे कचौरियाँ डालना होगा, और फिर इसी टाइप में, यानी फिर से हमें फूलने देना होगा स्लो फ्लेम पर। और फिर जब स्लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से कचौरी फूल जाए तो फिर हमें गैस के फ्लेम को फुल करना है ताकि जो कचौरियों को इस तरीके का ब्राउन कलर मिल सके। आई होप गाइज, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, और कचौरी की मैंने आपको बारीक से बारीक बात बताई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो गाइज, अगर आपको बेसन की कचौरी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साइड में बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइज, नमाज़ कायम कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।